प्यारे बच्चों, तो रोलिंग मोशन में, ठीक है, रोलिंग मोशन में दो दो मोशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कहता है कि इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द सेंटर इज के, इफ द रेडियस ऑफ बॉल इज आर, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इट्स रोटेशनल एनर्जी। मतलब रोटेशनल एनर्जी में कितना फ्रैक्शन जो है, रोटेशनल एनर्जी कितना फ्रैक्शन है टोटल एनर्जी का। ठीक है भाई, अगर टोटल एनर्जी देखोगे तो रोलिंग और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है रोलिंग में, तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो उनका अलग अलग परसेंटेज होता है, अलग अलग परसेंटेज होता हुआ ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, थ्योरी में पढ़े हो गए, अलग अलग परसेंटेज होता है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब भी मुझे फ्रैक्शन निकालना, परसेंटेज नहीं निकालना, तो सबसे पहले मुझे दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी रोटेशन में कितना होगा, टोटल एनर्जी रोटेशन में होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया के टर्म में हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें के टर्म में लिखना है, एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ एम के स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम वी यहाँ से कॉमन आ गया, तो वन प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर बच गया, दैट इज द टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है। अब इसमें कितना फ्रैक्शन रोटेशन है वो हमें निकालना है, तो रोटेशनल एनर्जी कितना आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल। ठीक है, टोटल एनर्जी में रोटेशनल को मैं ई, ठीक है, रोटेशनल को मैं ई टी से डिनोट कर देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से लिख लो रोटेशनल काइनेटिक, ये वाला क्या है, यही तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें देखना है कितना फ्रैक्शन है, ये रोटेशन वाला कितना फ्रैक्शन है, तो रोटेशन, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एम के स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें मैं डिवाइड कर दूं, वन प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर और ए हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ए हाफ ने हाफ इसको ख़त्म कर दिया, बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, एम ने एम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो ए आ जाएगा के स्क्वायर, ए आ जाएगा के स्क्वायर और इधर बचेगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, इतना फ्रैक्शन होगा के स्क्वायर आर स्क्वायर, के स्क्वायर और के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये दिस इज द फ्रैक्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो।